वेद एक संपूर्ण विधा है। अब वैद्य जी तो नाड़ी देखते थे, कफ पित्त बात बराबर है कि नहीं, कैसी चल रही, उसे पहचान लेते थे। एलोपैथी में एक अजीब सी बात है, अगर कोई पेट में दर्द है तो उन्हें कहा ये अलग डॉक्टर है, आपने कहा कि नहीं आंखों में दर्द हो रहा तो आई सर्जन, आई आंखों के डॉक्टर के पास जाओ, हार्ट की बीमारी के पास हार्ट के पास जाओ, लीवर की बीमारी के पास, फिर अलग हो गया। अब अलग अलग एक बार अगर आप फुल चेकअप करा लो तो अलग अलग डॉक्टर इतने ओपिनियन देते हैं कि अपनी दवाई खा लो तो वैसे ही मर जाओ, इसकी है इसकी है इसकी है। लेकिन आयुर्वेद संपूर्ण विधा, नाड़ी देख के रोग की पहचान करके केवल दवाना नहीं बल्कि मूल कारण है उसका निदान करने का प्रयास करता है आयुर्वेद। जब तक मूल कारण का निवारण नहीं होगा तो आपने दवाई खाई, दर्द तो हो रहा है लेकिन पता नहीं चलता, और साइड इफेक्ट्स भी कई होते हैं। दोनों की अपनी विशेषता, में किसी विधा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आयुर्वेद की महत्ता आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। और इसलिए मैं तो कोविड में ही मुख्यमंत्री बना, 23 को बना, 24 को लॉकडाउन। अब समझ में नहीं आ रहा था करें क्या, तो हमने कहा त्रिकुट काला बनवाओ भाई, आयुर्वेद क्योंकि तब तक एलोपैथी की दवाई नहीं आई थी, तो फिर वो काढ़ा अपना 2 करोड़ घरों में बांटा था उस समय, और उस समय तो जो कि कोई क्या कर रहा है वो काढ़ा पी रहा। आयुर्वेद बड़ा सहायक सिद्ध, अंग्रेजी मार रही है प्रतिभा को, जिनको नहीं आती वो कितने ही, देखो अंग्रेजी का मतलब विद्वता नहीं है, अंग्रेजी का मतलब टैलेंट नहीं है, टैलेंट तो किसी भाषा में हो सकता है, लेकिन एक हबुआ बना दिया अंग्रेजी। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, फर्स्ट ईयर में एक बेटा छोड़ के भग गया, मैंने बोला अरे वो क्या तुम छोड़ कर दे, बोले मामा हम तो हिंदी में पढ़े थे, वहां जाओ तो अंग्रेजी की गिटर पिटर समझ में नहीं आ रही, तो हम छोड़ जाए, प्रतिभा को मार दिया। उसने हमने मध्य प्रदेश की धरती पर तय किया है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, और आयुर्वेद की तो हिंदी में होगी ही होगी, ये तो अपनी विधा है। इसलिए आप क्या सुपर स्पेशलिटी क्या रख दिया आपने, ऊपर उसके लिखो अपना हिंदी और संस्कृत नाम, वो नहीं कर सकते। मेरे बेटा बेटियों, बेटियों ने छात्रावास की मांग की थी, छात्रावास बन गया, लेकिन मुझे लगा भांजे भी कह रहे हमें भी चाहिए, तो चाहिए क्या, तो इस साल बजट में भांजों का भी छात्रावास का बजट स्वीकृत कर दिया जाएगा। ये भवन पीआईयू ने बनाया, मैं उनको बधाई देता हूँ, अच्छा बनाया। हरी बोल। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स, और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।